Hello students, हम अपना next chapter of inorganic chemistry class 12, most important chapter from the competitive point of view, coordination compounds के लिए start करें। Coordination compounds को बेटा complex compounds या complex salts भी कहा जाता है, ठीक है? क्या होते हैं ये coordination compounds? इनका यूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जा सकता है, इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, ये सब बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले बच्चों हम समझना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाउ दीज कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। उसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले कंपाउंड्स जिनको एडक्ट्स भी कहा जाता है, एडिशन कंपाउंड और एडक्ट्स। एडिशन कंपाउंड्स या एडक्ट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, डबल सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आपको पता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को ही हम क्या कह रहे हैं, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड्स या एडक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, डबल सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट्स क्या है? डबल सॉल्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सॉल्ट है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? Fe(SO4)NH4O5SO4.6H2। दिस इज मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट। व्हाई डबल सॉल्ट? कि दो सॉल्ट्स की कॉम्बिनेशन से ये मिलके बना है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस में दो सॉल्ट्स ने कंबाइन किया है, डेफिनेट वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ, और एक नई चीज बन गई है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डबल सॉल्ट्स। जो दो सॉल्ट्स की डेफिनेट प्रोपोर्शंस में एडिशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें डबल सॉल्ट्स कहा जाता है। डबल सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? जब भी डबल सॉल्ट को आप वाटर में डालते हैं ना, जब भी डबल सॉल्ट की एक्वस सॉल्यूशन बनाई जाती है, डबल सॉल्ट में प्रेजेंट जितने भी आयंस हैं वो सब पानी में फर्मिश हो जाते हैं। मतलब पानी में डालते ही ये आयरन टू प्लस एक्वस बना देगा। एक और एक दो सल्फेट है, 2SO4 2- एक्वस बना देगा, साथ ही साथ दो NH4 पॉजिटिव एक्वस आयंस भी बना देगा। तो जैसे ही आप इस मोहर सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे, तो वाटर में ऐड करने से आयरन 2+SO4 2- 2NH4+ ये सब चीजें जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, मोहर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसमें फ्री आयरन 2+ आयन भी होगा, फ्री सल्फेट आयन भी होगा और फ्री अमोनियम आयन भी होगा। तो इस एक्वस सॉल्यूशन में देखिए, अगर आप टेस्ट ऑफ आयरन 2+ लगाते हो, मतलब ये चेक करने की कोशिश करते हो कि आयरन 2+ इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, तो आयरन 2+ का टेस्ट करते ही कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम सल्फेट का टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट ऑफ सल्फेट SO4-, उसका भी पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, मतलब शो करेगा सॉल्यूशन में फ्री सल्फेट प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम अमोनियम आयन का टेस्ट कराने के लिए देखेंगे, तो अमोनियम आयन का टेस्ट जो है वो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कहने का मतलब जब भी आप डबल सॉल्ट की एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो डबल सॉल्ट के जितने आयन है वो सारे के सारे आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल होंगे और सभी का पॉजिटिव टेस्ट का सिस्टम वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये है मोहर सॉल्ट। अब मोहर सॉल्ट के कंपैरिजन में बच्चे जो दूसरा सॉल्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ने से पहले तो बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को समझने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास KCN था और हमारे पास CrCN हो गया। KCN था और CrCN हो गया इसका। हमने बेटे 3:1 के रेशो में इसको मिक्स कर दिया है ना, 3:1 के रेशो में इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर हमें कुछ चीज मिली, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं अभी बताती हूँ। जब आपने इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में मिलाया,
उसमें कुछ आयन से सॉल्ट में फर्निश किए होंगे, और उस एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने ऑब्जर्व किया तो इस एक्वस सॉल्यूशन ने टेस्ट ऑफ के पॉजिटिव आयन पॉजिटिव शो किया, मतलब प्रेजेंट शो की इस एक्वस सॉल्यूशन में के पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ये शो किया। और जब इसी के ऊपर हमने टेस्ट ऑफ क्रोमियम 3+ या टेस्ट ऑफ साइनाइड आयन लगाने की कोशिश की तो इन दोनों आयन्स का पॉजिटिव टेस्ट हमें नहीं मिला। पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलने का मतलब है हमें सॉल्यूशन में फ्री क्रोमियम और फ्री साइनाइड आयन्स की प्रेजेंस नहीं मिली। तो जब हमें सॉल्यूशन में फ्री क्रोमियम और फ्री साइनाइड आयन्स की प्रेजेंस नहीं मिली तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है उस तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन में और इस तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन में। जब इसकी एक्वस सॉल्यूशन को देखा गया पहले, इसकी एक्वस सॉल्यूशन में इस तरह के आयन्स इस मोल रेशियो में प्रेजेंट रहे, 3K+ अगर प्रेजेंट रहा तो एक कुछ इस तरह की एंटिटी प्रेजेंट रही, इस एंटिटी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। इसका मतलब यहाँ जो एंटिटी बनी वो कुछ इस तरह से बनी, K3CrCN6। और जब आपने इसको पानी में डाला तो पानी में डालने पर इंडिविजुअल क्रोमियम निकलने के बजाय ये एंटिटी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही रह गई, ये आगे क्रोमियम और साइनाइड में डिसोसिएट नहीं हुई। तो क्योंकि इस पूरे सॉल्ट में कुछ ना कुछ चीज जो है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी होती है उसे कहा जाता है बच्चे कॉम्प्लेक्स एंटिटी। और कॉम्प्लेक्स एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब आप इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी को या इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में आयनाइज करवाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी कभी भी अपने फर्दर आयन्स में आयनाइज नहीं होगी। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और ये भी एक तरह के एडिशन कंपाउंड्स या एडिशन सॉल्ट्स ही होते हैं। अब इस केस में किस तरह से कॉम्प्लेक्स क्यों बना, इस केस में कॉम्प्लेक्स नहीं बना, और अगर जो कॉम्प्लेक्स बना है तो बॉन्डिंग बिहेवियर क्या रहा होगा, इन सब बातों के बारे में बेटा हमें इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट बेटा जो डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर में दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट, हाउ यू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए देखें कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट MLN या कुछ इस तरह से MLNY, इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर here x and y, x और y क्या है, x and y are counterions, here x and y are counterions, counterions करते क्या है, neutralize the charge on complex entity, कुछ नहीं है काउंट्रायंस का काम, काउंट्रायंस का कितना काम करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी पर चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये x प्लस है और ये माइनस है, तो मतलब जब कॉम्प्लेक्स एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज था हमारा काउंट्रायन बच्चे कैसा था, पॉजिटिव, और अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा काउंट्रायन कैसा होगा, नेगेटिव। तो x एंड y बोथ आर काउंट्रायंस and these counterions neutralize the charge on complex entity, hai na. What is m now, m is here central metal ion, hai na, m kya hai, central metal ion hai, most commonly
central metal ions. ठीक है, मोस्ट कॉमनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयंस की तरह बिहेव करते हैं. क्यों करते हैं अभी वेरी नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे. एंड यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मेटल आयन. एंड क्या है यहाँ पर, एल आर बेटा लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे अभी. एल आर लिगेंड्स एंड एन इज नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन. नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है Na2PpCl6. ठीक है, एक एग्जांपल ये है. और दूसरा एग्जांपल मेरे पास है Fe H2O6Cl3. है ना, क्या ये कॉम्प्लेक्सेस है? यस. स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंटेशन है और बाहर काउंटर लगे हुए हैं, तो यस दीज आर कॉम्प्लेक्सेस. सोडियम यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है? सोडियम आयन आर बिहेविंग एज काउंटर आयन. सोडियम आयन काउंटर आयन. प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है. क्लोरीन क्या है यहाँ पर? लिगेंड. और नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ कितने अटैच हैं बच्चे? 6 अटैच है. अब चार्ज देखना जरा. सोडियम पे चार्ज 2 सोडियम है प्लस 2 Cl माइनस 1 6 Cl माइनस 6. तो प्लैटिनम को बेटा कितना चार्ज होगा? प्लस 4 Cl. तो ये यहाँ पर तीनों चीजें हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स की रिप्रेजेंटेशन में पढ़ी है. काउंटर आयन क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, लिगेंड क्या है और लिगेंड्स का नंबर क्या है. यहाँ भी देखते हैं वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता. 1 Cl पे माइनस 1, 3 Cl पे माइनस 3. ओवरऑल न्यूट्रल मतलब इस आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे? प्लस 3. अब देखना है यहाँ पे आयन 3 प्लस यहाँ कैसे काम कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन की तरह काम कर रहा है. वाटर कैसे काम कर रहा है? वाटर लिगेंड की तरह काम कर रहा है. और नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ कितने हैं? 6. और Cl यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है बेटे? एज काउंटर आयन. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हम कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सबसे पहला बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी. कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बच्चे जो चार्ज है उस चार्ज के बेसिस पे आप लिगेंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम देखते हैं. तो पहला बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी. कॉम्प्लेक्स एंटिटी के क्या चार्ज है इसके बेसिस पर हम लिगेंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. इसके बेसिस पर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट बेसिस, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना. फॉर एग्जांपल Fe H2O6 Cl3 है ना, 3 Cl है माइनस 3 इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा? प्लस 3. तो मतलब कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी, अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे चार्ज पॉजिटिव है तो हम कॉम्प्लेक्स को कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स. अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जांपल K3Fe3Cl6 है ना, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है K3Fe3Cl6. 3 पोटेशियम आयन पॉजिटिव, तो इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज बचे? नेगेटिव चार्ज. इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स. तीसरी क्राइटेरिया होती है ग्रुप
एनायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को डबल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को डबल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, बोथ एनायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस या डबल कॉम्प्लेक्सेस. इसका एग्जांपल मतलब कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स. हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं जरा. आप सबको पता है जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वो है प्लस टू. Cl माइनस वन, फोर Cl है माइनस फोर. तो इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज क्या आ गया होता है माइनस टू. इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज क्या आ गया माइनस टू. माइनस टू अगर इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो बेटे इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया प्लस टू. ये कॉपर टू प्लस और अमोनिया को तो होता ही जीरो. तो मतलब इस स्पीशीज में कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बेटा क्या कहा जाता है, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, अगर मैं फोर्थ क्राइटेरिया देखूँ, फोर्थ टाइप देखूँ, तो फोर्थ टाइप में यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें रेजिडुअल चार्ज कॉम्प्लेक्स एंटी पे क्या है जीरो. फॉर एग्जांपल NiCO4 रेजिडुअल चार्ज जीरो, नो काउंटर आयन अटैच. एग्जांपल नंबर टू Fe(H2O)3Cl(3), नो काउंटर आयन, तो ओवरऑल चार्ज इज जीरो. द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज बेटा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी. अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. नेगेटिव चार्ज है दैट आर कॉल्ड एनायनिक. दोनों ही स्पीशीज कॉम्प्लेक्स स्पीशीज कैटायनिक एनायनिक है तो बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस यानी डबल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है. और जो लास्ट है वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. कैटायनिक और एनायनिक दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, स्पीशीज जो है वो कैसी है न्यूट्रल. पहला बेसिस क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटे दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड. है ना, कितने तरह के लिगेंड्स अटैच्ड हैं इसके बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड अटैच वी कुड क्लासिफाई लिगेंड्स एज होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस आप सबको पता है होमो का मतलब क्या होता है, वैसे तो होता है यूनिफॉर्म लेकिन यहाँ पर हम होमो का मतलब ले रहे हैं सेम. ठीक है, लैक्टिक का मतलब हो गया लिगेंड्स. तो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ऑल सेम लिगेंड्स, है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सभी लिगेंड्स सेम हैं उन्हें क्या कहा जाता है, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ऑल सेम लिगेंड्स आर कॉल्ड होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस. एग्जांपल देखना जरा, एग्जांपल हो गया बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जहाँ आपने सेम लिगेंड्स पढ़े हैं. सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स है ना, छः के छः लिगेंड्स जो है वो वाटर है तो एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ वाटर अटैच है. तो देन ऑल सेम लिगेंड्स आर अटैच सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस. इन केस डिफरेंट लिगेंड्स आर हेटेरो इज फॉर डिफरेंट, लैक्टिक इज फॉर लिगेंड्स. तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू और मोर देन टू
types of medium strength. ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहा जाता है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O5NOSO4. दो तरह के लिगेंड्स लगाए गए हैं ना, एक वाटर और एक NO. वो बताना कि वाटर का नंबर 5 है, NO का नंबर 1 है, लेकिन फिर भी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट. Then such type of complexes are called heterolytic complexes. So, this is the classification of complexes on two bases. The first basis is on the basis of charge on complex entity, and the second basis is on the number of ligands attached, the types of ligands attached in the complex entity. But if furthermore, if we talk about this chapter, then we have metal and ligand. दोनों के बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे कि मेटल क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, क्यों रखेगा, क्या डिसाइसिव क्राइटेरियाज हैं, ये सब हमें डिस्कस करना, और लिगेंड क्या है इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है. तो नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट इज सेंट्रल मेटल आयन. जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो लिगेंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास क्या हो, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी किसकी? अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ कुछ भी बनाते वेकेंट ऑर्बिटल्स, अगर मेटल आयन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं तभी वो क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जा सकता है लिगेंड के साथ। तो सेंट्रल मेटल आयन के लिए ये तीन रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी है। और मजेदार बात ये है कि ये तीनों रिक्वायरमेंट आर मोस्टली फुलफिल्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मोस्टली फुलफिल्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करवाती हैं ऑक्सीडेशन में, इसलिए उनके हाइड्रो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में जाता है, डी सब शेल का साइज बड़ा होने से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पोअर होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और ऑर्बिटल्स की बैलेंस होती है। तो मेजॉरिटी जो आप सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक को। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डी ब्लॉक, एफ भी बनाते हैं। कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स छोटे छोटे लाइक बेरियम मैग्नीशियम, दे आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बट द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स व्हिच आर नोन टू एक्ट एज सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्सेस आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल आयन के बाद बेटा हम बात करते हैं किसकी, लिगेंड्स। ठीक है बच्चे, लिगेंड्स क्या है? फिर से हमने देखा लिगेंड जो है वो लुईस बेस है विच फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी। इन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कॉम्प्लेक्स एंटिटी में मेटल आयन के साथ जो चीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लिगेंड टू मेटल इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन रहा है तो लिगेंड बिहेव कर रहा है एज लुईस बेस और बेटे मेटल एक्ट कर रहा है एज लुईस एसिड, राइट। अब मेटल आयन के बारे में भी बात कर ली और लिगेंड के बारे में भी बात कर ली। नेक्स्ट बेटा फर्दर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, बहुत तरह से लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला बेसिस है लिगेंड को क्लासिफाई करने का दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे आप लिगेंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, है ना। ऐसे लिगेंड जिनमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों की तरह काम करेंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स का मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, साइनाइड, थायोसाइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट एक्सेट्रा, बहुत सारे जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं दे कैन एक्ट एज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो है न्यूट्रल लिगेंड्स। कई बार कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिन पे कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स दे कैन एक्ट एज लिगेंड्स। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो गया वाटर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएच3, एक हम देखते हैं इथाइलीन डाइअमीन। इथाइलीन डाइअमीन, व्हाट इज इथाइलीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथाइलीन। हमने एक बॉन्ड तोड़ के इधर से दो अमीन डाल दिए तो इथेन 1,2 डाइअमीन और इथाइलीन डाइअमीन, ये हमारा क्या है, फिर से एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज जिनमें लोन पेयर की प्रेजेंस है वो कैसे काम करते हैं एज न्यूट्रल लिगेंड। वेरी रेयर बट स्टिल देयर आर
some ligands which are positively charged. है ना, देखो अपने आप में ही कॉन्ट्रा दिया, हम कह रहे हैं लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर है, लिगेंड लूज बेस है. अब अगर खुद पे ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो डोनेशन कैसे कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है. तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स बहुत रेयर क्लास है, लेकिन स्टिल देयर आर सम लिगेंड्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड एक्ट एज लिगेंड. इसके एग्जांपल्स दो हम डिस्कस करेंगे. एक है NO पॉजिटिव नाइट्रो सोडियम. अपने बुक्स इसको नाइट्रो सिलियम भी बोलते हैं. और दूसरा एग्जांपल है N2H5 पॉजिटिव, ये है हाइड्रेजीनियम. ये दो लिगेंड्स हैं बच्चों जो पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी कैसे काम कर रहे हैं, लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी लिगेंड्स की तरह कैसे काम कर रहे हैं इसको हम स्टडी करते हैं. जैसे सबसे पहला हमारा जो लिगेंड है वो है NO पॉजिटिव, है ना. हम NO पॉजिटिव को नहीं देखते, हम NO को देखते हैं. और NO की अगर आपको याद हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थ्योरी फ्रॉम क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर जो NO का निकल के आता है वो निकल के आता है 2.5. उसको जस्टिफाई पता कैसे करते हैं, ये N, ये O, ये एक, ये दो दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड कुछ इस तरह से शो करता है ना, तीन इलेक्ट्रॉन से बना मिलकर बना. इस बॉन्ड को कहते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. क्यों, जितनी जगह में दो इलेक्ट्रॉन आने थे कोवलेंट बॉन्ड में उतनी जगह पे आपने तीन इलेक्ट्रॉन्स रखवा दिए, मतलब सिस्टम में रिपल्शन पहले से बढ़वा दिया. सिस्टम में रिपल्शन पहले से बढ़ाने का मतलब है स्टेबिलिटी कम कर दी, इसीलिए इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड के क्या होती है, जस्ट हाफ होती है. तो जैसे ही ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है NO, है ना, ये अपना ऑड इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है इस मेटल में. सपोज ये न्यूट्रल था, मेटल पे 2 प्लस था, जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इसने अपना एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है. कंप्लीटली ट्रांसफर करवाने का मतलब है कि पहले प्लस 2 में था, ये इसमें आ गए प्लस 1 में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये नॉर्मल बॉन्ड रह गया, और नॉर्मल बॉन्ड रहने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलने की वजह से यहाँ ये चार्ज है क्या आ गया, प्लस 1. ओवरऑल चार्ज अभी भी क्या रहा, प्लस 1. तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप NO लेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, आपने ऑलवेज ट्रीट करना है, ऑलवेज ट्रीट किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपको NO लिखा हुआ मिलता है, इसको आपने हमेशा NO प्लस 1 की फॉर्म में ट्रीट करना है. ये बना कैसे प्लस 1, वो मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो को रिवर्स करके, एक बार दोबारा से समझने की आप उसको कोशिश करना, बहुत अच्छे समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe(H2O5)NOSO4, ये एक कॉम्प्लेक्स है SO4 2-, कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव, NO किसी भी फॉर्म में हो आपने हमेशा किसी में लेना है प्लस 1. तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस 1. तो कहने का मतलब NO जब मेटल को अप्रोच कर रहा था वो न्यूट्रल था, लेकिन अप्रोच करने के बाद उसको एक मौका मिला अपने ऑड इलेक्ट्रॉन को मेटल में ट्रांसफर करके खुद को स्टेबलाइज करने का. तो ऐसा जब उसने किया तो ऐसा करने में उस पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये कैसा लिगेंड बन गया, पॉजिटिव लिगेंड बन गया. दूसरा जो पॉजिटिव लिगेंड है दैट इज N2H5 पॉजिटिव, और हमने जो इसका नाम दिया है बेटा वो क्या नाम दिया है, हाइड्रेजीनियम. हाइड्रेजीनियम बेटा बना कैसे है उसके लिए आप स्टडी करो स्ट्रक्चर हाइड्रेजीन. व्हाट इज हाइड्रेजीन, NH 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 NH, और इसके जो लोन पेयर होते हैं बेटा वो ऑपोजिट प्लेन में, हाइड्रेजीन के लोन पेयर जो है वो ऑपोजिट प्लेन में होते हैं. अब हाइड्रेजीनियम कैसे बनता है, जब ये लोन पेयर एक H+ खा जाता है ये बन गया N2H5 पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीनियम आयन.
मैं कह रही हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन फिर भी लिगेंड की तरह काम कर रहा है। वजह है कि अब जो ये डोनेशन करेगा वो ऑपोजिट साइड से करेगा मेटल आयन और इस मेटल आयन को ये रोटर डोनेट करने में ये एच प्लस कोई इंपल्शन क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज बोथ दी लोन पेयर्स आर इन ऑपोजिट प्लेन्स, ऑपोजिट प्लेन्स में है। हेंस बोथ लोन पेयर्स कैन बी डोनेटेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी हिंड्रेंस इस लोन पेयर डोनेशन को नहीं आएगी क्योंकि अगर मेटल आयन ने इसके साथ लाइग्रेट करना है तो इस डायरेक्शन से नहीं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करना पड़ेगा। अगर वो सिस्टम ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको अप्रोच कर रहा है तो ऐसी अप्रोचमेंट से सिस्टम का जो डोनेशन है वो अफेक्ट नहीं होगा और हाइड्रेजीनियम पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी बेटे कैसे काम करेगी एज लिगेंड। तो बच्चों ये हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया था टू क्लासिफाई लिगेंड्स एज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। आगे आने वाले टॉपिक्स में बेटा हम डिस्कस करेंगे दूसरे बेसिस जिनके बेसिस पर हम लिगेंड्स को डिस्कस करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और जो मोस्ट कॉमन बेसिस होगा दैट वुड बी द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। तो बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड से स्टार्ट करेंगे और डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड के बेसिस पे ही लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे।